हेलो दोस्तों मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं प्लाईवुड स्नोलेज जहां मिलती है आपको प्लाईवुड से रिलेटेड हर एक जानकारी अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में आज हम बात करेंगे आपके फर्नीचर की रीढ़ घीटी यानी कि ब्लॉक बोर्ड ब्लॉक बोर्ड को कैसे बनाया जाता है तो चलिए शुरू करते हैं लकड़ को ढाई से तीन फीट के साइज में काटकर उसको बैंड साफ पर लेके जाया जाता है जहां उसके पत्ते पत्ती पच्चीस से तीस एम एम की थिकनेस वाली फटियाँ निकाल ली जाती हैं तथा तो साथ ही बीस से तेईस एम एम के बीच फ्रेम को भी तैयार कर लिया जाता है वैसे तो ब्लॉक बोर्ड बनाने के लिए हमें मैंगो पाइन पॉपुलर जैसी विभिन्न प्रकार की लकड़ी यूज करते हैं पर कॉमनली यूज होने वाली लकड़ी पॉपुलर आज हम उसके विषय में बात करेंगे काटी हुई बिट्स और फ्रेम को सीजनिंग करने के लिए सीजनिंग चैम्बर में लगाया जाता है जहां इसको पांच से सात दिन का समय लगता है सीजनिंग चैम्बर एक बीस बाई तीस का एक कमरा होता है जिसमें हीटर और वेंटिलेशन फैन लगे होते हैं जहां लकड़ी को स्टैक्स बना के एडजस्ट कर लिया जाता है होने के बाद लकड़ी को लिफ्टर की सहायता से बाहर निकाल लिया जाता है जहां से अब इसे रिप्सा मशीन में बिट के रूप में बदल लिया जाएगा जहां इसकी थिकनेस साढ़े चौदह से पंद्रह एम एम के बीच निकाला जाता है जहां इसकी सरफेस को चिकना और मुलायम बनाया जाता है और इसकी थिकनेस को पंद्रह से साढ़े पंद्रह एम mm के बीच में रखा कटर की सहायता से जबड़ा मुक्त कर लिया जाता है तथा साथ ही जिक मशीन में फ्रेम को फिंगर के रूप में कट कर लिया जाता है जहाँ से दो फ्रेम के टुकड़ों को रेजिन की सहायता से फ्रेम पर जोड़ लिया जाता है फ्रेम को कटर टेबल पर लेके जाया जाता है जहाँ फ्रेम को लोहे के निम्बों से जोड़कर एक रेक्टेंगुलर संरचना बना ली जाती है जिसके बीच में अब काटी हुई बेट्स को भरने का कार्य शुरू किया जाएगा जिसमे ज्वाइंट्स को तोड़ते हुए हम पूरे बोर को भरेंगे जिसमे लेबर को पंद्रह से बीस मिनट का समय लगता है एक बार में 100 से 200 सौ बोर्ड्स को भरकर तैयार कर लिया जाता है इनको एक एक करके अब असेंबली टेबल पर सिंगल ग्लू लाइन के साथ असेंबल कर लिया जाएगा और इनको प्रेस कर लिया जाएगा अब आपके सामने एक मजबूत बोर्ड बनकर तैयार है